सबसे पहले आ जाएंगे गूगल पे, लिखेंगे बड़ौदा यूपी बैंक। जैसे ही सर्च करेंगे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगा, इस लिंक से भी आप जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के एक एक लिंक से आपको बताएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे डिजिटल वाले ऑप्शन में। डिजिटल वाले ऑप्शन में आपको पहला लिंक दिख जाएगा इंटरनेट बैंकिंग का। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रिटेल यूजर, इस पे क्लिक करेंगे। जो लोग बिजनेसमैन होंगे कॉर्पोरेट वाले पे क्लिक करेंगे। रिटेल यूजर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालनी है कि आपके मेल पे आई होगी। यूजर आईडी डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तुरंत ही आपको 91 लगा करके मोबाइल नंबर लिख करके कंटिन्यू टू ओटीपी क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे। साथ ही एक कैप्चा यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आपको कैप्चा दिख नहीं रहा, साफ क्लियर नहीं है, तो रिफ्रेश पर क्लिक करके आप इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तुरंत ही आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जो कि इंटरनेट बैंकिंग का ऑफिशियल वेबसाइट का डैशबोर्ड है। तो आ जाएंगे ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में और यहाँ पे इनिशिएट पेमेंट में आएंगे और सबसे नीचे आप देख सकते हैं क्विक ट्रांसफर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो विद इन बैंक ट्रांसफर और एक है क्विक ट्रांसफर विद नेफ्ट, यानी कि दूसरे बैंक में अगर आप भेजना चाहते हैं नेफ्ट के थ्रू, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और सबसे पहले आप अपने अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट से आपको पैसे कटवाने का, दो तीन अकाउंट है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, वरना एक ही आपका अकाउंट शो करेगा। पे नेम में जिसके अकाउंट में पैसे जाने हैं उनका नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद पे टू अकाउंट, जिनके अकाउंट में पैसे जाने हैं उनका अकाउंट नंबर यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आपको उसके नीचे देख रहे हैं नेटवर्क एंड बैंक आइडेंटिफायर, मतलब आप चाहे तो आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल करके सर्च भी कर सकते हैं। बैंक का नाम डाल करके भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो आईएफएससी कोड आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अपने ब्रांच का, जिस ब्रांच में पैसे जाने हैं। लुकअप पे क्लिक करेंगे तो आईएफएससी पूरा का पूरा दिखाने लगेगा किस ब्रांच का है, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपको पैसे भेजने हैं, तो हम 10 रुपये भेज के दिखाते हैं किसके पैसे भेज रहे हैं, किसके लिए क्यों भेज रहे हैं। तो यहाँ पे रिमार्क में हमने सेल्फ लिख दिया, मतलब स्वयं के अकाउंट में भेज रहे हैं, हमारा दूसरे ब्रांच का अकाउंट है दूसरे बैंक का। तो लेफ्ट साइड में उनके ट्रांजेक्शन डिटेल होंगे जिसके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, राइट में उनके ट्रांजेक्शन डिटेल होंगे जिनके अकाउंट पैसे जाने हैं। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देंगे, ओटीपी ऑलरेडी आपके मोबाइल पर जा चुका होगा, नहीं गया हो तो रीजनरेट पे कर दीजिएगा। फिर पे INR 10 रुपये वाले पे क्लिक करेंगे, नीचे जो राइट कॉर्नर में लिखा हुआ जितना भी आप पैसे भेजेंगे वहाँ INR के पास सामने लिखा होगा। फिर देख सकते हैं ये पैसे जो है ट्रांसफर हो चुके हैं अकाउंट में। और नीचे जो है तीन फॉर्मेट हैं, जिसमें यहाँ देख सकते हैं PDF का फॉर्मेट है, PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में भी, टेक्स्ट में भी। तो हम PDF में आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो ये आप जो है ट्रांजेक्शन, ये जो PDF है आप सेंड कर सकते हैं रिसिपिएंट को जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं उनको प्रूफ के रूप में, या आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, तीन फॉर्मेट में। तो देखा आपने कितनी आसानी से पैसे जो है अदर बैंक में भी ट्रांसफर हो जा रहे हैं। फिलहाल कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।